हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज आई हूँ गुलघर पटना। सोचा कि यहीं पे रील्स का थोड़ा सा शूट करूँगी और थोड़ा बहुत घूम भी लेंगे, क्योंकि आज लगभग हम गोलघर में 6 साल के बाद आए हैं। पटना में हम रह रहे हैं 6 साल से, स्टार्टिंग में आए थे लेकिन उसके बाद आ जाए हैं अचानक से। पूरे 6 साल हो चुके हैं। गोलघर इतना मतलब कुछ इसमें नया कभी देखने को मिलता नहीं है, तो ध्यान ही कभी नहीं जाता है गोलघर पे। पटना रहती भी हूँ तो अलग अलग जगह पे जाती हूँ शूट करने के लिए, बट गोलघर कभी भी ध्यान पे नहीं रहता। जबकि मैरीन ड्राइव जाती हूँ इसी रास्ते से होकर के, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ नया चेंजिंग नहीं होता है। आज भी गोलघर किताबों में ही अच्छा लगता है। रियल में इसे जो बना दिया गया है, जो इसका हाल है, उसके वजह से गोलघर शायद ही किसी के दिमाग पे रहता होगा। वैसे हम इस ब्लॉग के लास्ट में आपको गोलघर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे। कलर जो उड़ा तो उड़ा ही रह गया, फिर दोबारा से कभी पेंट नहीं हुआ। और इतना पुराना खंडहर लग रहा है, जैसे पटना का ये ऐतिहासिक चीज़ है गोलघर, तो इसे मेरे ख्याल से इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए था लोगों के सामने, बट इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुकून है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। परिवार के लोग आए हैं, बैठ के एक जगह पे बातें कर रहे हैं, माहौल अच्छा है। अब लाख कोई चीज़ देखने में अच्छा रहे लेकिन माहौल ही अच्छा ना हो तो। वैसे अभी सुबह का टाइम है इसलिए माहौल अच्छा है। शाम के टाइम में यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है ये मुझे खुद नहीं पता है। अभी 12 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम है, तो अभी सब कुछ लगभग सही चल रहा है। और बहुत सारे लोग रील्स के शूट के लिए आए हैं तो वो शूट कर रहे हैं, मैं तो खुद ही शूट के लिए आई हूँ। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने आए हैं तो एग्ज़ाम दे करके थक गए हैं, या फिर एग्ज़ाम देने जाने वाले होंगे तो इसके लिए रेस्ट कर रहे हैं। और कुछ बच्चे आए हैं स्कूल छोड़ करके घूमने के लिए, तो वो भी गोलघर का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा बहुत साइड का सीन देखिए, इधर में देखिए आप लोग, खजूर का पेड़ है लेकिन खजूर है नहीं इस पे। खजूर का शायद सीजन नहीं होगा। आज से 2-3 महीने पहले खजूर जो है पेड़ पे बहुत ज़्यादा लटक रहा था, बट अभी खजूर का सीजन है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। बट यहाँ पे लगभग 4 से 5 खजूर का पेड़ है, 1, 2, 3 पीछे भी 1-2 है, अच्छा खासा खजूर का पेड़ है। और क्या बोले, थोड़ा सा खा पी के आए हैं, चलने में दिक्कत हो रहा है, मेस का खाना खाए हैं। पटना में रहते हैं तो खुद से खाना बनाते नहीं हैं क्योंकि मन नहीं करता है, मार्केट जाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा, फिर खाना बनाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, बहुत सारी काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे और मुझसे इतना नहीं हो पा रहा है गाइस, इसलिए मैं घर जाने वाली हूँ और घर जा करके घर का प्योर खाना खाऊंगी। और देखिए ये जो मेरा इयररिंग है, चांदी का इयररिंग है, ये मैंने लिया है 800 रुपये में 2 पीस, 1 और 1। इयररिंग 2 ही पीस आता है, 1 पीस तो आता नहीं है। और नाक का मैं निकाल दी हूँ क्योंकि यहाँ जो लटकन लटक रहा था, तो मैं सोती थी रात को तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, वो जा रहा था नाक के अंदर, जिसकी वजह से मन करता था रात में ही उसको निकाल करके कहीं उसको रख दे, तो दिन होते ही मैंने उसे हटाया है। और अभी ऐसे मेरा नाक खाली है, होगा तो मैं बाद में पहनूंगी, नहीं तो 1-2 दिन रेस्ट देती हूँ, कौन सा बड़ा चीज़ है छूटा जा रहा है, थोड़ा सा नाक भी आराम कर लेगा और क्या। और चलिए बाकी हम आपको थोड़ा सा इधर का सीन दिखाते हैं घूम घूम कर। एक बड़ा सा यहाँ पे नीम का पेड़ है, ये देखिए, जिसका जड़ बहुत ही ज़्यादा मोटा है, और नीम का पेड़ है, नीम का नहीं है शायद, ये अशोक का पेड़ है। एक इस साइड भी है, एक इस साइड भी है, 2 है, अशोक का पेड़ है ये मुझे लग रहा है। बाकी अलग अलग बहुत सारा पेड़ है। चलिए थोड़ा सा बैक कैमरा करके हम आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए,
इधर जो है सारा कुछ आम का पेड़ है, ये अशोक का पेड़ है ना, और इधर खजूर का पेड़ है। वो पतला पतला क्या चीज़ का पेड़ है पता नहीं चल रहा है, बाकी यहाँ भी अशोक का पेड़ है। और चलिए इसका जड़ देखिए कितना ज़्यादा मोटा है। अशोक का पेड़ जो होता है ज़्यादातर इस्तेमाल हम सजाने में इसके पत्ता का करते हैं। आज भी जब हमारे बिहार में शादी होती है तो इसके पत्ता को ही डेकोरेशन के रूप में यूज किया जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। गाइस यहाँ देखिए इसका शूट हो रहा है। जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे लगभग उसी काम से आते हैं। ये रहा गोल घर, कलर जो इसका उड़ा तो उड़ा ही रह गया, कभी पेंट ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ से आपको कहा जाता है कि गोलघर पे चढ़ के हम पूरे पटना को देख सकते हैं, लेकिन अब गोलघर से भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग हमारे पटना में है और शायद वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग गोलघर कोई नहीं देख सकता है, तो गोलघर पे चढ़ के हम क्या ही पटना को देखेंगे। देखिए इसका लोकेशन हम आपको बता दें, ये गांधी मैदान से थोड़ा सा आगे है। जब हम बुद्धा कॉलोनी की तरफ जाते हैं तो ये रास्ते में आता है, और ख़ास करके जहाँ से मैरीन ड्राइव मुड़ते हैं तो यहीं पे गोलघर आता है। तो कैसा लगा आप लोगों को गोलघर? सीढ़ियाँ ध्यान दीजिए, इसका जो सीढ़ी है यही है, इसी से चढ़ते हुए आदमी ऊपर जाता है। ठीक है, बाकी मुझे प्यास लग गई तो मैं चलती हूँ पानी पीने के लिए। और यहाँ से हवाई जहाज जा रहा है, अगर आया इधर तो हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा यहाँ बैठ जाते हैं, कुछ भी हो बहुत दिनों के बाद आकर के यहाँ पे सुकून तो बहुत मिल रहा है दोस्तों, सुकून मिल रहा है। और जहाज उधर से उधर ही चला गया। बहन थोड़ा पानी लेते आओ, प्यास लग गया बहुत ज्यादा, पानी का बोतल थोड़ा लेते आओ बहन। हमारे साथ एक और मेरी प्यारी मित्र आई है जिसे हम ब्लॉग में ला नहीं सकते हैं बिकॉज वो आना नहीं चाहती है। तो पेड़ में लग रहा है गाइस कि सांप है, चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है। पता नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये जो है खरखरा आ रहा था, पता नहीं इसके अंदर क्या है, सांप है कि छुछुंदर है, चूहा है कि बिल्ली है, पता नहीं चल रहा है। वैसे पेड़ तो बहुत हरा भरा है, देखिए मेरा सुंदर सुंदर हाथ और ये हरा भरा पेड़। अब थोड़ी लेते हैं, पैर भी मेरा थोड़ा छिला गया जंगल में आकर। बिस्लरी है नकली वाला, असली वाला तो मिलता ही नहीं है हर जगह, लेकिन रेट असली वाला ही 20 का 20 ही लगता है हर जगह, चाहे पानी असली हो या नकली हो रेट असली ही रहता है। लो बहन ढक्कन लगाओ, और चलिए इतना ही के साथ हम ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ब्लॉग और ये गोलघर पसंद आया होगा, और ये पटना का एक प्राचीन इतिहास है इसके वजह से पटना जाना जाता है कि पटना में गोलघर है, गोलघर पटना में है, पटना में गोलघर है। ठीक है, तो ये गोलघर है, पटना का गोलघर। जो लोग भी नहीं आए हैं, गांव में हैं नहीं आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग आइए और यहाँ पे घूमिए फिरिए। इसके बाहर हम तो फ्री में आए हैं, हमारा तो टिकट लगता नहीं है, पर आप लोग आइए, टिकट लगेगा शायद 10-15-20 रुपया, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। और बाकी खाने पीने का सारा सामान गेट पे ही मिलता है, पैसे से फ्री में नहीं, तो वहाँ से आप खरीदिए, अंदर आके खाइए, शाम तक रहिए, रील शूट कीजिए, घूमिए फिरिए, ऐश मौज कीजिए, उसके बाद वापस अपने घर जाइए। कहाँ मन लगे लागत का? अच्छा, हमारे साथ में जो आई है उसका मन नहीं लग रहा है।
तो गाइस चलिए यहीं पे हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइस हमारे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस ब्लॉग पे अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।